सवाल ये है कि अगर हम बस में बैठे हों, ट्रैवल कर रहे हों, कहीं दूर शहर जा रहे हों, तो बस में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन क़िबले का रुख मालूम नहीं होता, बसें मुड़ती हैं इधर से उधर, तो क्या वो जायज़ है? मतलब अगर ना मालूम हो आपको जिस रुख में बस जा रही हो, वही क़िबले का रुख? बिल्कुल। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बस में या गाड़ी में बैठ के जब नमाज पढ़ें, किबले का रुख कर दुरुस्त करना ज़रूरी है। अगर किबले का रुख करना मुमकिन नहीं है तो आप भले नमाज कज़ा कर दें, बाद में नमाज पढ़ लें। अलबत्त नमाज के वक़्त में, उस वक्त में आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर कुछ तस्बीहात वगैरह कर लें, इस तरीके से करने की इजाज़त है। लेकिन ख़ास अहवाल हो उस वक़्त तो आप कर सकते हैं कि आप गाड़ी रोक के या बस रोक के, या कोई ऐसा स्टाप अभी नहीं आ रहा, या बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, या दरिंदों का ख़तरा है, दुश्मन का खौफ है, ऐसे अहवाल पैदा हो जाएँ तो गाड़ी के अंदर बैठ के नमाज पढ़ने की इजाज़त और गुंजाइश होती है। लेकिन आम हालात में जैसे इंसान को सारे ऑप्शन हासिल हो सकते हैं, तो फिर उसके तरीके से बाहर निकले क़याम के साथ जो है वो क़िबला रुख होकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।